आदाब नाजरीन, साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क और आलम अहवाल से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लगाई जबरदस्त फटकार। कोरोना की दूसरी लहर के लिए कमीशन को ठहराया जिम्मेदार, बोली अदालत। इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर कत्ल की भी लगाए जाए चार्जेस तो नहीं होगा गलत। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम के दौरान कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाए जाते वक्त किस दुनिया में था इलेक्शन कमीशन। 2 मई को नतीजे के दौरान गाइडलाइंस पर नहीं किया गया अमल तो गिनती रुकवाने तक का दिया इंतबाह। 30 अप्रैल तक अदालत के सामने गिनती के दिन की ब्लूप्रिंट पेश करने की जारी की हिदायत। हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने किया फैसला। 2 मई को इंतखाबी नतीजे मंजर-ए-आम पर आने के बाद किसी भी तरह के जश्न और जुलूस निकालने पर सख्त पाबंदी आयद करने का किया ऐलान। जीत के बाद उम्मीदवार सिर्फ 2 हिमायतियों के साथ ही जिला इलेक्शन ऑफिसर से हासिल करेंगे अपनी सर्टिफिकेट। भारत में कल के मुकाबले आज के कोरोना आंकड़ों में रिकॉर्ड की गई मामूली कमी। 24 घंटों में 3,30,000 से ज्यादा सामने आए नए मामले, 2,771 मरीजों की भी मौत। बीमारी को मात देकर सियातियाब भी हुए 2,51,000 लोग। भारत में कोरोना के सबब बिगड़ते हालात के मद्देनजर वजारत सेहत ने लोगों को दी सलाह, अब अपने घरों में भी मास्क पहनने का करें एहतमाम। घरों में किसी को मधु न करने का भी दिया मशवरा। खौफ न फैलाने की किया अपील, का सुधरने के बजाय खौफ से बिगड़ सकते हैं हालात। कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। कोरोना के सबब भारत पर मंडला रहे मुसीबत के साए को देखकर बैन-अल-अक़वामी सतह पर मुत्तहिद अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई एक ममालिक ने बढ़ाया मदद का हाथ। सऊदी ने 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भेज दी तो ब्रिटेन से भी वेंटिलेटर और दीगर तिब्बी साजो सामान लेकर मुल्क पहुँचा तैयारा। अमेरिका ने भी वैक्सीन तैयार करने के लिए कच्चा माल फराहम करने की कराई यकीन दहानी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का साथ देने सामने आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2,600 मौके में सेहत की टीम भारत पहुंचकर मरीजों के इलाज के लिए देंगी अपनी खिदमत। दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत पहुंचा फिजाई फौज का जंगी तैयारा। आज फिर 6 कंटेनर हासिल करने दुबई रवाना होगा तैयारा। मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देने पर मुत्तहिद अरब अमीरात समेत सभी ममालिक के इकदाम की जा रही सताइश। महाराष्ट्र के जिला बीड से सामने आई इंतजामिया की लापरवाही की अजियतनाक तस्वीर। एक ही एम्बुलेंस में एक साथ 22 कोविड लाशें डालकर पहुंचाई गई शमशान घाट। लाशों को आग के किया गया हवाले। एम्बुलेंस में कार्गो पार्सल जैसा दिखा मंजर। इंसानी लाशों की तौहीन और बेहुर्मती पर सख्त तशवीश का किया जा रहा है इजहार। DM ने मामले की जाँच का दिया हुक्म। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर होगी सुनवाई। अदालत ने मांगा वबा से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मंसूबा। ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाइयों पर भी अदालत ने मरकज से मांगा जवाब। वैक्सीन के तरीके और लॉकडाउन पर भी तलब की वजाहत। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर रियासती हाई कोर्ट ने की मोदी सरकार की सख्त सरजनिश। किसी भी रियासत के ऑक्सीजन न रोके जाने को यकीनी बनाए जाने का मरकजी हुकूमत को दिया हुक्म। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई करने की भी दी हिदायत। अगली समाअत के दौरान 19 नुकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त की इत्तला देने रियासती और मरकजी हुकूमत को जारी किया फरमान। व्हाट्सएप ग्रुपों में किसी भी शख्स के काबिल एतराज पोस्ट के लिए एडमिन को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार। मुंबई हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर समाअत के दौरान फैसला सुनाते हुए एडमिन के खिलाफ मुकदमे को भी किया खारिज। बुरी अदालत, एडमिन के पास सिर्फ मेंबरान को शामिल करने और निकालने का हासिल रहता है इख्तियार। मेंबरान की जानिब से डाले जाने वाले मवाद पर एडमिन का नहीं होता है कोई कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर काबिल एतराज मवाद पोस्ट किए जाने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ ही दर्ज किया जाता है मुकदमा। कर्नाटक में आज रात 9 बजे से आइंदा 14 दिनों के लिए कोविड कर्फ्यू का किया गया ऐलान। लोगों की आमदरफ्त के लिए हुकूमत ने मुहैया की सहूलियात, बोले नायब वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी। लोगों को अपने शहर और घर पहुंचाने के लिए तीनों ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रियासत भर में 12,000 बसें चलाए जाने का किया गया इंतजाम।
कर्नाटक में लॉकडाउन का ऐलान होते ही भटकल के बाजारों में मचा कोहराम। मायूसी के साथ ईद के लिए जमा एक बड़े स्टॉक को दुकानों से मुंतकिल करते दिखे लोग। बोले दुकानदार, लाखों का कर्जा लेकर ईद के मौके पर फरोख्त करने मंगवाया गया था साजो सामान। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अचानक किए गए लॉकडाउन से अब खतरे में पड़ गया है रोजगार। रोजमर्रा का घरेलू खर्च निकालने के लिए अब साजो सामान को घरों में मुंतकिल करके पास पड़ोस वालों में किया जाएगा फरोख्त। नाज़रीन, देश दुनिया से जुड़ी मजीद खबरों को तफसील से जानने के लिए विजिट करें www.sahilonline.net। साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब। फिर की मुलाकात है हम खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत।